हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्लास 12 वीडियो लेक्चर नंबर 5। हम इसे कौन सा मान लेते हैं? 5 लेक्चर मान लेते हैं। वैसे तो ये 5th लेक्चर है नहीं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ठीक है। एक स्केड्यूल बताया था और मैंने आपको टीपी का नेचर बताया था। लेकिन एक दो बच्चे मुझे कमेंट में बोले कि सर वीडियो तो हम सारा समझ गए, वीडियो तो हम सारा समझ गए, लेकिन ये जो टीपी का नेचर है ये हमको दिख नहीं रहा बोर्ड के ऊपर। जो टीपी का नेचर है ये हमको वीडियो पे दिख नहीं रहा, तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आया हूँ इसका, जो आपको टीपी का नेचर दिखाएगा, जो आपको टीपी का नेचर दिखाएगा। वो क्या था कि थोड़ा सा कैमरा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए ये बड़ा शो नहीं हो पाया आपको। ये लिखा हुआ तो मैंने था, आपको दिख तो रहा था लेकिन पूरा नहीं दिख रहा था। वही बात, मेरा आपसे प्यार ही इतना है कि मैं आपको छोड़ ही नहीं पाता, मेरा आपसे लगाव ही इतना है कि मैं छोड़ नहीं पाता आपको, मुझे सारा बताना है आप लोगों को। इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ इतने वाले पार्ट को रिपीट करने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट। मैंने आपको टीपी के बारे में बताया कि टीपी क्या होता है, अब टीपी का नेचर क्या होता है। बच्चों याद रखो, टीपी हमेशा इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। फर्स्ट बात, टीपी जो है हम सिर्फ टीपी की बात कर रहे हैं, टीपी जो है वो इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट से। थर्ड, कांस्टेंट रहेगा और फोर्थ डिक्लाइन होगा। थर्ड कांस्टेंट रहेगा और फोर्थ डिक्लाइन होगा। अब देख लेते हैं एक बार इसको। इनिशियल वैल्यू 2, 5 माइनस 2 3। तो ऐसे अब देखो, नंबर लिया मैंने यहां पे 2, नंबर लिया मैंने यहां पे 2। वापिस से बता रहा हूं आपको, नंबर लिया मैंने यहां पे 2, 8 से ले लिया मैंने। अब क्या है, इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। एक बात बताओ, कितना डिफरेंस आ रहा है? सर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो सीधी सी बात है इंक्रीजिंग रेट क्या होगी कि डिफरेंस 2 से ज्यादा आ जाए, डिफरेंस 2 से ज्यादा आ जाए। तो अगला नंबर वो आना चाहिए जिसमें डिफरेंस इस 2 से ज्यादा आ रहा है। तो 2 से ज्यादा मतलब 3 मानना है इसको, तो इनमें 3 के डिफरेंस के लिए 2 प्लस 3 5। चलिए सर एक और ले लेते हैं इसको, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट। तो बच्चों मेरे पास ध्यान से देखो, पहले कितना डिफरेंस आ रहा था 2 का, अब कितना आ रहा है 3 का, तो कम से कम 4 का आना चाहिए ना। तो 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9। तो देखो आप देख सकते हो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, तो बच्चों नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं और इनका जो रेशो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं और इनका जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए सर ये बात तो हम समझ गए, अब बात करते हैं इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। अब क्या करोगे, नंबर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो बच्चों यहां से कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो रेट डिक्रीज कर दे। यहां पर कितना अंतर आ रहा है 4 का, रेट डिक्रीज करेंगे तो 4 से कम का अंतर लेना है अपन को, 3 का अंतर ले लें तो 3 का अंतर हो गया, तो कितना हो गया 9 प्लस 3 12। अरे सर समझ गए, अब तो सारा समझ गए, अब ये याद नहीं करना है आपको। ये मैं भगवान थोड़ी कि मैंने मन से लिख दिया इसको, मैंने सारे सिम्टम बताए आपको यहाँ पे, इसके बाद में काम हुआ है। चलिए सर डिक्रीजिंग रेट कितना आ रहा है 3, क्या आना चाहिए 2, चलो सर 2 कर देते हैं आ गया। अब क्या आना चाहिए 1, ठीक है सर 1 कर देते हैं। अब 1 हो गया ना, अब 1 से डिक्रीज क्या होगा, 1 से डिक्रीज क्या होगा 0, तो 0 की स्थिति क्या होगी कॉन्स्टेंट। सर अब क्या होना चाहिए वो कॉन्स्टेंट, तो बच्चों आप 0 मान लो या मान लो कॉन्स्टेंट, एक ही बात, कितना आ गया 0। अब क्या होना चाहिए डिक्लाइन, टीपी डिक्लाइन होगा भैया, अब तक तो बड़ा है तो डिक्लाइन होगा। याद रखो मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैं डिक्लाइन बोल रहा हूं, मैं डिक्लाइन बोल रहा हूं, नेगेटिव नहीं बोल रहा। चलो
कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, ये वो सब्जेक्ट है जो दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है। आपको याद नहीं करना कुछ भी, आपको सिर्फ समझना है। जब भी बोल जाओ, जब भी बोल जाओ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वाली क्लास को याद कर लेना। मैंने क्या बोला था कि टीपी का नेचर याद कर लो बस, टीपी का नेचर याद कर लो बस, बाकी क्या मिल जाएगा। एपी का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, टीपी डिवाइड बाय मेन एबल फैक्टर। एमपी का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, या फिर डेल टीपी अपॉन डेल वेरिएबल फैक्टर। किसी को दिक्कत कोई? मुझे एक दो बच्चों ने कमेंट में कहा था कि सर ये लास्ट वाला हमको दिख नहीं रहा, तो मैंने दिखा दिया दोबारा, मैंने आपके लिए सारी मेहनत करके दिखा दिया आपको। अब क्लियर है 100%? तब तक जब तक गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस नहीं आती, आपके और हमारे विद्यालय नहीं खुलते, तब तक घर पे रहिए।